हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश टेवानी और मैं आज आया हूं कुड़ीनर सिंधी सोसाइटी में गुरु नानक देव जी का 653वें प्रकाश वर्ष में शामिल होने के लिए। वैसे तो हर साल इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन हाल ही में हुई मौत की दुर्घटना के कारण इस साल सिर्फ और सिर्फ भंडारा साहिब का आयोजन किया हुआ है। सुबह को शुरुआत होगी पहले गणेश पूजन से, उसके बाद होगा झंडा साहिब, उसके बाद लगेगा भोग साहिब, उसके बाद होगा शाम को उत्संग और रात को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो बोले सोने भगवान मंगलाय तनो हरि ओम सच्चे पुनीत हरिच गणपति देवता आवयामि साध्यामि साधनार्थ तुम स्वामी कृपालो भव। Okay.
घर पे सुदामा गरीब आ गया है, के घर पे सुदामा गरीब आ गया है, नजर पे पगड़ी नजर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को से सुदामा गरीब आ गया है, के घर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये तो कहीं जोड़े चले आए मोहन, ये तो कहीं जोड़े चले आए मोहन, लगाया करे ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ये है हमारे सिंधी समाज के प्रमुख श्री गुरु भाई वाधवाणी। पूछेंगे इनसे कि आज इस गुरु नानक जयंती के पवित्र पर्व पर ये क्या महसूस कर रहे हैं। गुरु नानक जयंती की 553वीं सालगिरह की अवतरण दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कोड़ीनार गुरु नानक जयंती बड़े अच्छे माहौल से और धामधूम से मनाई जाती है। इस साल मोरबी में जो दुर्घटना हुई है उसके हिसाब से सिर्फ लंगर प्रसाद करके ही गुरु नानक जयंती का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जय झूलेलाल, वाहेगुरु। आज गुरु नानक देव जी का 553वां जन्म महोत्सव है, जिसको हम प्रकाश पर्व बोलते हैं, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और देव दीपावली, जो देव दीपावली का भी आज के दिन शुभ दिन में मनाया जाता है, तो आपको और आपके परिवार को सबको देव दीपावली की एवं 553वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल गुरु नानक देव की जय, साचे दरबार साहेब की जय, बोल गुरु ग्रंथ साहेब साहेब की जय, आयो लाल सभी चौ जुड़े लाल, जो बोले Thank you.
Thank you.